वेलकम टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेंटर ऑफ अ ग्रुप, कि ग्रुप का सेंटर क्या होता है, एंड वी विल स्टडी सम एग्जांपल्स कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कि सेंटर कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और हम ये पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप, ओके, जी क्या है, ग्रुप है, देन सेंटर ऑफ द ग्रुप जी, सेंटर ऑफ द ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेंटर ऑफ अ जी को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, जेड जी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से कि जेड जी होता क्या है, जेड जी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जेड जी बताओ। ए बिलोंग्स टू जी, वो सारे ए जो जी में है, सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ध्यान से समझिए कि जी के वो सारे एलिमेंट्स, ए जी से बिलोंग कर रहा है, जी के इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इस ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स, जैसे कि हमने ग्रुप में चार एलिमेंट्स हैं, तो हम पहला एलिमेंट उठाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या ये चारों से कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करना मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये कम्यूट करने का ऑपरेशन होता है। हम ये देखेंगे क्या ये चारों से कम्यूट कर रहा है, अगर वो चारों से कम्यूट कर रहा है दैट मीन्स वो सेंटर में आएगा। ऐसे ही फिर हम सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, हम ये देखेंगे क्या वो चारों से कम्यूट कर रहा है, अगर वो कर रहा है दैट मीन्स वो भी सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ये होती है सेंटर की डेफिनेशन की, दैट मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, समझे बात को, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी आर कंटेन्ड इन जेड जी, वो सारे जेड जी में कंटेन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है ये, कम्यूटेटिविटी, और कम्यूटेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन ग्रुप की, है ना। अबेलियन ग्रुप है या नहीं है ये चेक करने के लिए व्हाट वी चेक कम्यूटेटिविटी। अगर आपका जेड जी जी के इक्वल आ जाए दैट मीन्स दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन। अगर किसी ग्रुप का, अगर जैसे कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए और उसमें आपको जेड जी जी के इक्वल गिवन आए, दैट मींस यू कैन डेफिनेटली से कि जो जी होगा वो क्या होगा, अबेलियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जेड जी क्या प्रॉपर्टी चेक करता है, अबेलियन की प्रॉपर्टी चेक करता है, उसके वो किस में चेक करते हैं हम, वो कम्यूटेटिविटी होती है, ठीक है। अगर जी जेड जी के इक्वल आ गया मतलब कि सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं और वो तो पूरा का पूरा जी आ गया, दैट मीन जी क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ जेड जी इज इक्वल टू जी दिस इंप्लाइज जी क्या होगा, आपका अबेलियन होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं कि वो अबेलियन है या वो उनका सेंटर क्या होगा, अबेलियन वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, या उसका सेंटर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अब आप सबसे पहले एक ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, Q8 ग्रुप, क्वार्टनरी ग्रुप, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कि बहुत सिंपल ग्रुप है, उसके हमने सब ग्रुप्स, उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर, सब ग्रुप्स का ऑर्डर, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस, यू कैन वॉच माई दैट वीडियो, ठीक है, और वो उसका लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन, ओके। सो लेट सी
Q8 ग्रुप हम देखते हैं, ठीक है। Q8 ग्रुप क्या होता है कि आप मुझे बताइए, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, यही होता है Q8 ग्रुप। अब वील सी व्हाट इज द सेंटर ऑफ Q8 ग्रुप। Q8 के ग्रुप में, Q8 का ग्रुप क्या होगा, उसके सेंटर में कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। सारे वो एलिमेंट्स, ए बिलोंग्स टू जी होता है ना, जी क्या है यहाँ पे, Q8 है, ए बिलोंग्स टू Q8, ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू Q8, ठीक है। अब हम 1 उठाते हैं, 1 क्या सबके साथ कम्यूट कर रहा है, 1.1 ले लो, 1 है ना, 1.1, 1.-1 ले लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, -1, -1.1 ले लो तो 1, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है, यू कैन चेक दैट इट विल कम्यूट विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ Q8, तो सेंटर में 1 आएगा, और आप -1 चेक करेंगे तो -1 भी आएगा, ठीक है। नाउ आप आई चेक कीजिए, आई क्या सबके साथ कम्यूट करेगा, आई को जे के साथ कम्यूट कराइए, आई डॉट जे क्या होता है, के होता है, और जे डॉट आई क्या होता है, माइनस के होता है, तो आई, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इसकी, दैट मीन्स आई जे के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये सेंटर में नहीं आएगा। ऐसे ही जे और के, हम तीनों इसी चीज से, हमने तीनों चीजें देख ली कि आई डॉट जे और जे डॉट आई, ठीक है, कम्यूट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये सेंटर में नहीं आएगा। सिमिलरली जे भी आप देख लीजिए, सिमिलरली आप के डॉट आई चेक करें, आई डॉट के चेक करें, दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है, दैट मीन्स ये भी कम्यूट नहीं कर रहे, दैट मीन्स आई जे के इसमें नहीं आएंगे, ना ही माइनस आई माइनस जे माइनस के, ना ही जे आई जे के, क्या आएगा जेड ऑफ Q8, ओनली प्लस माइनस वन। तो अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि जेड ऑफ Q8 जो है वो क्या है, प्लस माइनस वन है, और ये तो एक सब ग्रुप ही है Q8 का, वी हैव डिस्कस दिस, तो Z ऑफ Q8 इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8, ये भी हमें पता ही है, हम आगे प्रूफ भी करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया Z ऑफ Q8 इज सब ग्रुप ऑफ Q8। और एक चीज इससे आप और क्या बता सकते हैं कि Q8 इज नॉट अबेलियन, Q8 जो है आपका वो अबेलियन ग्रुप नहीं है, है ना, ये भी आपने बता दिया, क्योंकि इसका सेंटर जो है, आप और आप इससे क्या बता सकते हैं, इसको आप साइक्लिक से लिंक कर सकते हैं, आपको ये पता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, साइक्लिक से अबेलियन इंप्लाई होता है, तो नॉट अबेलियन इंप्लाइज नॉट साइक्लिक, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुकी हूं कि इफ पी इंप्लाइज क्यू, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि P अगर Q को इम्प्लाई कर रहा है, तो अगर नॉट Q है, मतलब अगर Q सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो P भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये हमने एक और एक एग्जाम्पल पढ़ा Q8, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है Zn विद एडिशन मॉड्यूलो n, ये ग्रुप आप पढ़ चुके हैं Zn, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है Zn, ये क्या ग्रुप होता है, 0, 1, 2, up to so on n-1, और इसका ऑपरेशन हम क्या लेते हैं, एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है, ये आपने ऑपरेशन ले लिया, तो आपने ये बताना है कि इसका सब ग्रुप क्या होगा, मतलब कि z ऑफ zn क्या होगा, बताइए क्या होगा z ऑफ zn, और सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, a बिलोंग्स टू zn सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जेड एन, ये होंगे जेड एन में एलिमेंट्स। अब आप ये देखिए जेड ऑफ जेड एन किसके इक्वल होगा, ये सारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स मतलब कि आप सपोज कीजिए 3 उठाइए, एडिशन मॉड्यूलो एन का मतलब है कि अगर सपोज करो 6 है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इफ अगर आप 3 और 5 के ऊपर ऑपरेशन लगाएं, या फिर आप 5 और 3 के ऊपर लगाएं, तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट, क्योंकि ये नंबर दोनों पॉजिटिव हैं, और प्लस ये ऑपरेशन क्या होता है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और एन से डिवाइड करेंगे,
जो आपको मिलेगा रिमाइंडर वो आपका आंसर होता है। तो आप किन्हीं भी दो को उठा लीजिए और ये ऑपरेशन लगा दीजिए, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। तो ये जो z ऑफ zn होता है वो zn ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये नंबर्स हैं और इनके ऊपर जब भी आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको हमेशा जो a g इक्वल टू g a, मतलब कि हर एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, z4 क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और ये ऑपरेशन होगा 4, है ना। तो आप कुछ भी 2+3 देखिए और 3+2 देखिए, 2+3 5 होगा, 5 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 3+2 भी 5 होगा, 5 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा कि ये इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे आपस में कम्यूट करेंगे। कम्यूट कब करते हैं, यहाँ पे ए जी इक्वल टू जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एडिशन मॉड्यूलो एन जी, जी एडिशन मॉड्यूलो एन ए, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिखना होता है अपने ग्रुप का, तो ये आपस में कम्यूट करेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स ग्रुप इज दिस जेड एन इज अबेलियन, ये ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा। तो अब हमने ये चेक कर लिया कि ये सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स कैसे हम चेक करते हैं कि किसी भी ग्रुप का हमें सेंटर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ वील सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो क्या थ्योरम है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। तो लेट सी दैट थ्योरम। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट सेंटर जो जेड जी होता है वो जी का सब ग्रुप होता है, ठीक है। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने दो आपके टेस्ट करे हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और किसी भी टेस्ट से वी कैन प्रूफ कि जो जेड जी है वो सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो अब हम उठाते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, उससे हम प्रूफ करते हैं कि जो जेड जी है वो जी का सब ग्रुप है। तो फॉर दैट वी नीड टू प्रूव उसके लिए तो हम ये प्रूफ करते हैं कि कोई भी सब ग्रुप कब होता है, एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हम प्रूफ करते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड जी, ए बी या फिर ए स्टार बी शुड बिलोंग्स टू जेड जी। हम ए स्टार बी ना लिख के ए बी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड जी वी नीड टू प्रूव ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने दिखानी है क्या प्रूफ करने के लिए कि जेड जी जो होगा सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है जिसमें हम ये 3 प्रॉपर्टीज, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक ये की नॉन एम्प्टी है क्लोजर और इनवर्स, ये 3 चीजें हम दिखाते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि जेड जी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। जेड जी एम्प्टी नहीं होगा इसका मतलब जेड जी में कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको पता है सिंस ई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ग्रुप है जी, ए ग्रुप है और जो भी ग्रुप होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ई एक्स इक्वल टू एक्स ई, मैं डॉट ना लिख के क्योंकि स्टार होता है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ई एक्स इक्वल टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ई जो होता है वो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, है ना। अगर इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है वो किसमें होगा, दिस इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू जेड जी एंड हेंस जेड जी इज नॉट इक्वल टू 5, जेड जी 5 के इक्वल नहीं है। ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या दिखानी है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आप नोट कर लीजिए इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप ये दिखाओगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड जी,
ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड जी से, और यू नीड टू प्रूफ ए बी बिलोंग्स टू जेड जी, ये दिखाना है आपने। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की जेड जी के दो एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ए बी क्या होगा जेड जी के इक्वल होगा। दैट मीन्स दैट इज वी नीड टू प्रूव कोई भी जेड जी में कब होगा ए बी इंटू एक्स और एक्स इंटू ए बी, है ना, ए बी इंटू एक्स और एक्स इक्वल टू किसके होगा, एक्स इंटू ए बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, आपको यही दिखाना है ना, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, आपको अगर ट्रिक मालूम हो जाती है ना कि ए बी को जेड जी में दिखाना है, जेड जी में दिखाना को दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है कि ये जो है ना ये जेड एक्स के साथ कम्यूट करता है, सारे एक्स के साथ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड जी, है ना, यही तो दिखाना होता है आपको ये प्रूफ करने के लिए। तो क्योंकि जेड जी में वही एलिमेंट होते हैं जो कम्यूट करते हैं सारे एलिमेंट्स के साथ, आपको ये दिखाना है, वी नीड टू प्रूव दिस LHS RHS, हम LHS लेके चलेंगे RHS ले आएंगे, दैट मीन्स प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ A बिलोंग्स टू ZG है, दिस इंप्लाइज AX इक्वल टू X से फॉर ऑल X बिलोंग्स टू ZG, B बिलोंग्स टू ZG है, दिस इंप्लाइज BX इक्वल टू XB फॉर ऑल X बिलोंग्स टू ZG, ये तो है सर। Now, take left hand side of one. Left hand side लीजिए A B X, यही है, इसको क्या लिख सकते हैं, A of B X लिख सकते हैं, ठीक है, A of B X को A of X भी लिख सकते हैं, यहां से यहां पे लिख दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, यहां पे लिख दो by 3, रीजन देना जरूरी है आपको, ठीक है, यू विल ऑलवेज मेंशन द रीजन ए एक्स बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ए को एक्स के साथ कर दिया, दिस इंप्लाइज ए एक्स इसके इक्वल है एक्स ए के, एक्स ए बी, एक्स ए बी, ये आपने क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, क्या आ गई राइट हैंड साइड, हेंस ए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी, है ना, दैट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी वेरीफाइड। ओके, नाउ वी कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी, यू कैन नोट दिस। ओके, सो अब आती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि आपने इनवर्स एलिमेंट दिखाना है, थर्ड इज इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स क्या प्रूफ करते हैं कि ए इन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इफ यू नीड टू शो कि ए इनवर्स जेड जी में है, दैट मीन्स दैट इज वी नीड टू शो A inverse into X equal to X into A inverse किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना, यही दिखाना है हमने, A inverse X, X A inverse के इक्वल होगा, ठीक है, फॉर ऑल X belongs to ZG। Now it is given, या फिर लिखो सिंस A belongs to ZG, दिस इंप्लाइज ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल, जो भी हमने ऊपर लिखा था ना, एक्स बिलोंग्स टू जेड जी। अब देखिए इसका ये एल एच एस उठाइए, इसको आप क्या बोल देंगे, वहां पर 2, 3, 1, 2, 3 हो गया था, यहाँ पर 4 ए, इसमें आप क्या कीजिए, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, क्या मिलेगा बताइए, ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स, ए इनवर्स एक्स ए, ए इनवर्स, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गया, क्या मिला आपको एक्स ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गया, क्या मिला आपको ए इनवर्स एक्स, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये दिखा दिया आपने
एक्स ए इनवर्स एक्स के इक्वल है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, यही प्रूफ करना था आपने। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया दैट मीन्स हेंस प्रूव हेंस जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, उसका सब ग्रुप जो होता है, जो ये होता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये सब ग्रुप होता है ग्रुप का, ठीक है। ये भी हमने प्रूफ कर दिया, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।